अभी कुछ दिनों पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के छिंदवाड़ा में लापता होने के पोस्टर लगा दिए गए थे। इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस में बहुत दिनों तक राजनीति होती रही। अब गोटे गांव के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापत वैश्विक बीमारी के चलते इन दिनों क्षेत्र से गायब हैं। अब उनके लापता होने के पोस्टर चिपका दिए गए हैं, जिस पर लिखा है, इस संकट के समय विधायक एनपी प्रजापत गायब हैं, उन्हें क्षेत्र की जनता ढूंढ रही है। पोस्टर पर साथ ही प्रख्यात गजल गायक स्वर्गीय जगजीत सिंह की गजल की पंक्तियां भी लिखी है, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। यह पोस्टर सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि जब से कमलनाथ सरकार गिरी है, तब से ही नर्मदा प्रसाद प्रजापति क्षेत्र में नजर नहीं आए, तो लोगों ने इस तरह के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। हालत यह है कि देश कठिन दौर से गुजर रहा है और जनता जनप्रतिनिधियों की खोज कर रही है। लॉकडाउन के बाद एनपी प्रजापति अपने क्षेत्र से नरसिंहपुर जिले तक भी नजर नहीं आए। यहां तक कि जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में भी प्रजापति नजर नहीं आए। ऐसे में भाजपा को बैठे बिठाए पुद्दा मिल गया। नरसिंहपुर विधायक और पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल ने एनपी प्रजापति को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी खूब शब्दबाण चलाए। वहीं राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति को एक्सीडेंट जनप्रतिनिधि बता दिया। कोरोना के संक्रमण काल में जनप्रतिनिधियों का अपने क्षेत्र से गायब होना कहीं ना कहीं जनता को खटक रहा है और जनता भी अब सोशल मीडिया और पोस्टर बैनर के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। ऐसे में सियासत भला कैसे चुप रह जाती। ऐसे में मौकों की नजाकत को देखते हुए सियासत मुद्दों को गंभीरता से उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। आखिरकार उपचुनाव भी दस्तक दे रहे हैं, तो ऐसे में दोनों पार्टियां एक दूसरे के हर मुद्दों को भुनाने के जुगाड़ में लग गई हैं। कोरोना जैसे संकट, ऐसा मानता हूं कि एक बहुत बड़ी महामारी है, उसमें कांग्रेस बहुत दूर तक कहीं नहीं दिखती। नाम देखते देश स्तर पर अगर बात करें तो राहुल गांधी अभी प्रकट हुए हैं, एक मजदूर के पास बैठे, उनकी कोई भूमिका नहीं रही। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानी कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह हैं, वे भी गोल हैं, उनको भी कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूँ इनको कोई सामाजिक सरोकार से मतलब नहीं है। हमारे ज़िले की अगर बात करें, इतनी आपदा प्रबंधन की बैठक है, उसमें भी माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी यहाँ उपलब्ध नहीं हुए। तो जनता का ढूंढना स्वाभाविक है, सब चाहते, अपेक्षा तो सबको है। हम अगर जनप्रतिनिधि हैं तो हमारा दायित्व है कि हम जनता के साथ सुख दुख में शामिल रहें, मैं ऐसा मानता हूँ। विधायक जी क्या मानते हैं, गोटेगांव विधायक जनता के साथ छलावा कर रहे हैं क्या? वो तो जनता अगली बार बताएगी क्या कर रहे हैं, वो छलावा कर रहे हैं। वो तो जो जनता का जो फैसला है वो सबसे होती है, वो जानकारी उसको जनता ही बताएगी। छलावा तो है, जब आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता की बात नहीं, कि इस इतनी बड़ी समस्याओं के सामने आप दूर भाग रहे हैं। कोई उनका ना प्रतिनिधि है, ना वो है, ना वो यहाँ। मुझे लगता है कि जब से सरकार गई, जब से वो नरसिंहपुर आए नहीं, मुझे नहीं दिखता कि यहाँ आए हों।